एंड लिटरली भाई सिरसा में वो फीलिंग ही नहीं आ रही जो पहले आती थी। चलो भाई सबको बाय बाय बोल के मैं निकल पड़ा हूँ सिरसा के लिए। बताता हूँ आपको मैं कौन किसके लिए क्या ले गया है। बाकी लड़कों से तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, राइट। पहले भाई बंद नहीं हो रहा था, अब खुल नहीं रहा। सो भाई ये ना नेक्स्ट डे है, रात को ना व्लॉग ऑफ करना भूल गया था मैं, सोया। साथ में भाई अपने विकास भाई हैं एंड ये लक्ष्य चौधरी, नॉट यूट्यूबर, अपना भाई। सो फिलहाल भाई कॉफ़ी चल रही है एंड उधर चल रहा है क्रिसमस का सेलिब्रेशन, बिकॉज क्रिसमस की यहाँ पे छुट्टी है और क्या ही चाहिए। अभी मॉर्निंग के ना 10 बजने वाले हैं तो इतना माहौल है नहीं, भीड़ है नहीं, दोपहर में ज़्यादा होता है। अभी बच्चे आए भी नहीं है और हमने पंच इन कर दिया। पंच इन यानी अंगूठा लगता है यहाँ पर, जो अनपढ़ होता है वो भी अंगूठा लगाए, पढ़े लिखे वो भी अंगूठा लगाए। अंगूठा अपन शाही में डबो में लगा रहे ना। वही तो, आ तो थम पे गए ना अपन। बात सोचो, देखो अंगूठा लगाना कहते थे कि भाई अनपढ़ की निशानी। वैसे आजकल अनपढ़ इंसान ज्यादा कमा रहा है। हाँ बिजनेस ही है। अभी हमने भाई ना सामने कैंटीन है, कैंटीन तो नहीं है वो स्टोर्स है, अगर उसके हम थोड़ी पेमेंट पूछ रहे हैं ना कितनी है महीने की, शायद यहाँ के ना मैनेजर वगैरह भी तो नहीं कमा रहे होंगे। और उनकी सबसे मेन बात क्या है कि जिस दिन छुट्टी लो और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं क्या भाई? सही है, जगह का हिसाब होता है। यहाँ तो भाई चिल है, बाकी भाई 10 से 7 के बाद जिंदगी कुछ और होती है। फिलहाल कॉफ़ी पे फोकस करते हैं। क्या पी रहा है तू? लेमन टी। लेमन टी घर पे पिए कभी? तू क्या पी रहा है? कॉफी पी थी। घर पे भी है? घर पे नहीं पी। घर पे नहीं पी, यही तो बात। अभी धूप में बैठे हैं भाई बिकॉज ठंड बहुत है। वो आ गया भाई, कपिल आ गया, मथुरा के निवासी आ गए। यहाँ पे गाइज ऑलमोस्ट सभी लोग ना नॉर्थ इंडिया के ही हैं, कोई इलाहाबाद का, कोई मथुरा का, कोई कानपुर का। ये भाई अपने राजस्थान झुंझुनू से है, मैं सिरसा। अभी जो सामने बैठा था वो जींद से है। अभी एक आ रहा है वो कॉफ़ी गेस्ट ऐसी करने। ये आ गया भाई मथुरा वाले, राधे राधे। हाउ आर यू? बढ़िया राधे। और आप सब? आप क्या लेके आए? कॉफ़ी, कैपुचिनो। कैपुचिनो से? आपके पास किसका आया? रोहित का आया था मेरे पास। रोहित का आया क्या? अभी गाइस क्या है कि यहाँ पे क्या सीन है, क्रिसमस डे का ना सीक्रेट सेंटा ना, सीक्रेट सेंटा होता है ना, सीक्रेट सेंटा होता है जिसमें क्या है कि हमारा 8 जनों का बैच है और एक मैम हो गए तो हम टोटल 9 जने हैं। उसमें क्या है कि एक दूसरे के नाम से ना चिट डालते हैं, तो शफल करके कोई भी ना अलग अलग चिट उठाता है, जिसका जिसकी चिट में नाम आएगा ना तो वो उसके लिए गिफ्ट लेके आएगा। जो मेरी चिट में नाम आया इसका, तेरा नाम आया तेरे को पता ही नहीं, इस वाले के चिट में नाम आया कपिल का, आप वाले में रोहित का, मेरे पास रोहित का नाम। हाँ और जो मेरा नाम आया वो है रोहित के पास, तो आपस में बटा हुआ काम। अभी 4 जने और आने बाकी है, देखते हैं क्या रहेगा। बताता हूँ आपको मैं कौन किसके लिए क्या लेके आया है। बाकी लड़कों से तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, राइट। ठीक है, 10-10 की पूछी पूछी खिला देंगे। काम खत्म। और भाई को तो मैं एक ऐसा गिफ्ट दूंगा वो माँ भी पूछी के वो है, पूछी पूछी इन द सेंस कुरकुरे। अरे देना पहले छोटे छोटे ओएस टाइप है। हाँ ओएस टाइप। सो भाई फिलहाल ना हमारे फोन वगैरह ना रखने जा रहे हैं एंड गाइस दीज आर अवर लॉकर्स। सो यार 2 hours later। सो गाइस फिलहाल के ना भाई 2 बज चुके हैं, हमारा लंच टाइम हो चुका है एंड सभी भाई खाना खा रहे हैं। सो भाई आज क्रिसमस नहीं है बट ना क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है कि हमें ना भाई टोपियाँ बांटी थी सेंटा क्लॉस वाली एंड कुछ गिफ्ट भी दिए हैं। गिफ्ट मैं एक बार घर जाके बोलूँगा आपको, मैं दिखाऊँगा। सबको मिला भाई, सभी हैं भाई, कईयों ने खा भी लिया, किस किसी ने खा लिया है। अरे मैं फिर किसने नहीं लगाई हुई भाई ऊपर, मैं लगाता थोड़ा अलग लगता। किस किसी ने खा लिया? मैंने। इसने खा लिया, इसने खा लिया, इसने खा लिया, हमारा बैच ही भाई इकट्ठा बैठता है। सोया भाई ने खाया नहीं है, भाई भी अपने घर लेके जाएगा। कॉफ़ी भी जोर दे रखा है वो सामने बैठे लेमन टी वाले, 3-3 टाइम एक बार में। सामने कैंटीन है भाई, वहाँ से परचेज करके खा सकते हो। ये अपना लेके आए कुछ कुछ, कैसे ग्रीन टी? मैंने अब तक ट्राई नहीं की। ग्रीन टी नहीं है, लेमन टी है। लेमन टी है, अच्छी है, सही है। चलो आज भाई कॉफ़ी को फाड़ ही देते हैं, ये पी के लेमन टी पीऊँगा। 2 hours later। चलो भाई सबको बाय बाय बोल के मैं निकल पड़ा हूँ सिरसा के लिए, बिकॉज 2 दिन की छुट्टी है तो घर जा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल टाइम तो भाई 5:30 हुए हैं, अभी पहुँच जाएंगे। ट्रैफिक तो मिलेगा बट चलेगा यार, तो यार चल रहा हूँ अभी। साथ वाले कुछ और बैचमेट्स भी है जो जाएंगे घर पे अपने, उनमें से एक मैं हूँ, तो चले जा रहा हूँ भाई, लेट्स सी। सो फाइनली गाइज मैं अपने घर आ चुका हूँ सिरसा
एंड अभी भाई शाम हो रही है एंड टाइम हो रहा है भाई 6:15 हो चुके हैं। एक्चुअली आज मैं ना सुबह सुबह 2-3 बजे पहुंच चुका था सिरसा, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल। ट्रेन काफ़ी लेट थी, अप्रोक्स 2 घंटे लेट थी यार कसम से। पहुंची लेट, आई लेट, चली लेट, सो इस करके ना लेट हो गए हम। एंड सुबह आया था मैं, रेस्ट वगैरह किया, सब दोस्तों से वगैरह से मिल लिया। एंड लिटरली भाई सिरसा में वो फीलिंग ही नहीं आ रही जो पहले आती थी घर जैसी, एंड मन लगता था। अब तो यहाँ ऐसे है कि बस कुछ दिनों को हूँ, फिर कहीं और जाना है, फिर वहाँ से कहीं और जाना है, मतलब एक कंफर्ट जोन वाली फीलिंग बिल्कुल चली गई है भाई। अब यहाँ हूँ तो ऐसे हो रहा है कि लग नहीं रहा मेरा रूम है कसम से। देखो यार ये अपना रूम देखो, मस्त ऊपर अपना यूट्यूब बटन। सच में यार कसम से काफ़ी कुछ चेंज हो गया लिटरली। एंड गाइस जैसे कि आपको पता है कि क्रिसमस है, तो हमको ना पहले ही हमारी कंपनी से कुछ गिफ्ट्स मिल चुके थे। गिफ्ट बोले तो कुछ स्पेशल नहीं था, बट जो मिला वो स्पेशल था यार। सो हमें कैप मिली है सेंटा वाली, एंड एक बॉक्स है उसमें, शायद मैंने खोल के देख लिया था बिकॉज मेरे को ना क्यूरियोसिटी थी कि उसमें है क्या एक्चुअली। अभी आपके सामने खोलूँगा क्या है, चलो आपको दिखाता हूँ। मैं ना लेके आया हूँ वहाँ से बिकॉज मेरे को दिखाना था आपको, एंड मैं कैप भी पहन के आता हूँ, रुको एक बार। सो यार ये कैप मिली है भाई मेरे को, बच्चे वाली है, एंड सबने भाई यही पहनी थी एंड सबको यही मिली थी। एंड चेक दिस आउट गाइस, ये वाला गिफ्ट है एंड इसमें मैंने साइन किया हुआ है, और बिकॉज इसके पीछे ना एक लफड़ेबाजी हो गई थी कि सबको मिला था ये, कुछ कुछ ने खा लिया था तो मैंने नहीं खाया। सो मैं ये था कि मैं आपको एटलीस्ट शेयर तो करूँ क्या क्या मिला है क्या नहीं, तो मैं लेके आने वाला था सिरसा। एंड आसपास वाले जो थे आजू बाजू वाले, उन्होंने भाई एक्सचेंज कर लिया, मतलब मेरे दोस्त हैं वैसे तो वो, पर ऐसे ना मजाक कर रहे थे। फिर मैंने ना भाई इस पर साइन कर दिया, तो या ये मेरा साइन है, आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या है भाई। एक सेकेंड, पहले भाई बंद नहीं हो रहा था, अब खुल नहीं रहा। तो इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक तो ये कप केक है, एंड एक ये है स्मूथ, एंड ये टॉफी हैं जो मैंने भाई कोई ना सेंटा बन के आए थे तो उन्होंने ऐसे ना उछाली, और मैं तो हूँ परफेक्ट कैच करने में, तो मैंने 2 कैच कर ली, कुछ कुछ को एक एक भी नहीं मिली। हाँ एंड ये डेरी मिल्क चॉकलेट। ये गाइस चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन हाँ काफ़ी स्पेशल है भाई। ऐसे जॉब पे कोई बंदा जाए उसको ऐसे कुछ यू नो ऐसे ट्रीट किया जाए तो यह काफ़ी अच्छा लगता है। सो या दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम माय कंपनी, या माय कंपनी नाउ आई नो इंग्लिश। सो या तो यार डिब्बे में ये सब था, तो हाँ बाकी आज है भाई, क्या है आज, बाकी गाइज आज है संडे, सो मैं कल निकलूंगा मंडे को रात को, तो मेरे को ट्यूसडे को पहुंचना है। क्रिसमस डे के अलावा मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है भाई दिसंबर में जो ये वीक चल रहा है इसमें क्या हुआ था, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि भाई ना जो अपने सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे श्री गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने और उनके परिवार ने शहीदी दी थी छोटे छोटे साहबजादों को, क्या क्या हुआ उनके साथ सबको पता है। तो बस ये कहूँगा कि उनको भी याद करना बनता है, उनकी कुर्बानी को याद करना बनता है, और उनके नाम पे कुछ सेवा करना मतलब भावपूर्ण पूरा, तो वो बनता है भाई। सो सब कुछ बोल दिया, सब कुछ दिखा दिया है, तो अभी घर पे हूँ भाई मैं, तो अभी मैं सोऊंगा, थक चुका हूँ, अंकल निकलना है, काफ़ी भसड़ मची हुई है। तो यार फिलहाल करते स्लॉक में ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, शेयर कमेंट करना एंड चैनल में सब्सक्राइब करना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, बाय गाइस। मैं देखो भाई कौन है जिसने भाई ये मेरा डिब्बा ले लिया, तो फिर मैंने उनको बोला भाई आप, फिर मैं देख रहा कि भाई कौन है जिसने मेरा डिब्बा ले लिया ये वाला।